दोस्तों वीडियो में बात करके जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों जेपी पावर में अभी के टाइम आप देखोगे आज तो कुछ हद तक 1% का बाउंस शेयर में देखने को मिला है, बट कल भाई बहुत बड़ी गिरावट थी। कल शेयर अराउंड 5-6% का जो डाउनफॉल है वो शेयर ने दिया था। एंड अभी के टाइम देखिए क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक बड़ी रैली आई थी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ब्रेकआउट शेयर का हुआ था, बट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट को हम बोल रहे थे कि भाई ये रिटेस्टमेंट है, बट जैसे ही मार्केट ने डाउनफॉल दिया शेयर के अंदर भी हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो क्या यहाँ से रैली बन सकती है या अभी जेपी पावर का शेयर बहुत कंसोलिडेट करेगा? जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार से सपोर्ट लेवल टूटा है एंड आज फिर सपोर्ट के ऊपर शेयर आया है, तो यहाँ पे सीधा संकेत यह है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट एक बार शेयर देखना चाहता है। यानी कि देखिए रिजल्ट से पहले एक बार ऑपरेटर फिर से रिटेल के साथ गेम खेल रहा है, रिटेल को फिर से निकाल रहा है, माल बिकवा रहा है। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर वही है जो गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यानी कि माल जितना इकट्ठा कर रहे हैं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी के टाइम मान के चलो 49% इससे अगर पब्लिक के पास है तो शेयर को अगर भगाया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? पब्लिक कमा रही है। तो बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं कि भाई एक बार पहले पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम करें फिर उसके बाद शेयर को भगाए। पिछली बार शेयर को भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3 साल तक कंटिन्यू कंसोलिडेट कराया गया था, उसके बाद बड़ी रैली लाई गई एंड रिटेल को प्रॉफिट बुकिंग कराया। वहां से अगर आप देखोगे अब तक भाई एफआई कंटिन्यू बाई कर रहा है, डीआई वाले भी बाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एफआई डीआई का जो लुक है वो शेयर की तरफ सुल्टोन एनर्जी की तरफ बदल रहा है। यानी कि सुल्टोन में भी सेम यही प्रोसेस थी, कंटिन्यू माल खरीदा गया, शेयर को बॉटम से भाई ऑलमोस्ट 80 रुपए तक लाया गया। तो वही स्थिति यहाँ पे जेपी पावर में बन रही है। बट यहाँ पे लोगों को पता क्या दिख रहा है? लोगों को दिखता है प्राइस, यानी कि लोग प्राइस को लेकर भी टाइम पागल है कि भाई प्राइस नहीं बढ़ रहा है। मेन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा मार्केट में वैल्यू। देखिए आज मार्केट भागा है, मार्केट के अंदर 17 पॉइंट की बढ़िया रैली है एंड ऑलमोस्ट आप देखोगे तो स्टॉक ने इंट्राडे हाई में 20.34 रुपए का हाई क्रिएट किया है एंड 19.40 का स्टॉक का जो यहाँ पे लो था। एंड मेन पॉइंट वॉल्यूम देखे तो देखिए जिस प्रकार हमने कल देखा था कि शेयर के अंदर 12-13 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई, आज देखोगे तो 21 मतलब यहाँ पे 7 करोड़ 21 लाख की वॉल्यूम है। यानी कि बायर अभी के टाइम फिर से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, यानी कि जो बाइंग आनी चाहिए थी वो बाइंग अभी के टाइम नहीं आ पा रही जो पिछले बाउंस में आई थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी कम हुई है। तो ये एक नेगेटिव संकेत हमारे लिए कि देखिए गिरावट में कल वॉल्यूम थी, आज तेजी में वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर अभी के टाइम थोड़े से रुक रहे हैं, यानी कि वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एंड आज 150 करोड़ का कारोबार हमें देता हुआ नजर आया, जिसमें अगर देखें तो ओनली 32% की ही डिलीवरी। अब आप खुद देख लो यहाँ पे डाटा क्या बता रहा है, 32% की डिलीवरी का सीधा संकेत क्या है कि जिनको खरीदना था खरीद चुके, अब जिस दिन भाई वो खरीदेगा ना वो शेयर को बढ़ाएगा। यानी कि मान के चलो आज मैं शेयर के अंदर मान के चलो कि एक तो होता है सेल का आंकड़ा, एक होता है बाइंग का आंकड़ा। अगर भाई बाइंग में मतलब यहाँ पे सेल में लगे हुए 2 करोड़ शेयर, अगर एकदम से बाइंग आती है यहाँ पे 3 करोड़ शेयरों की, तो शेयर में लगता है भाई अपर बैंड, यानी कि शेयर में अपर बैंड के अंदर देखने को मिलता है, अपर सर्किट के अंदर ये स्थिति रहती है। तो अभी के टाइम क्या चीज़ नजर आ रही है, मानते चलो मार्केट में 50 लाख बायर है, तो यहाँ पे 50 लाख बायर की जगह 60 लाख शेयर है, यानी कि जितनी बाइंग आ रही है उससे ज़्यादा सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो शेयर में क्या आ रही है, वोलेटिलिटी आ रही है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी के टाइम देखोगे जो पी स्टॉक का 10 के आसपास चला गया तो गिर के अभी के टाइम 9.34 का सॉरी 8.34 का अगेन आ चुका है। मैं चीज़ अगर बात करूँ स्टॉक के बाइंग ऑर्डर के अभी के टाइम तो 50 लाख हमें बायर देखने को मिल रहे हैं, 72 लाख हमें सेलर नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के यहाँ पे इंट्राडे चार्ट के बारे में, तो सुबह सुबह मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया था, उसके साथ स्टॉक में भी बड़ी गिरावट थी, बट यहाँ से शेयर ने बाउंस किया। देखिए मैंने इस स्टॉक का आपको एफआईडीआई का एक्यूरेट हर एक डाटा यहाँ पे बताया, अगर आप अभी पैनिक हो रहे हो अभी शेयर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको शेयर को सेल कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ मार्केट में, वो है वेट। अगर आप अच्छे शेयर में वेट करते हो तो वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ओनली और आपको शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा सा प्राइस ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल उसको जाना ऊपर ही होता है। तो अभी के टाइम जिस स्थिति मार्केट में यहाँ पे जेपी पावर की बनी हुई है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एफआई की होल्डिंग कम है, डीआई की कम है, तो ये भाई अपनी होल्डिंग बढ़ाने पे तुले दे। अब ये होल्डिंग कैसे बढ़ाएंगे, शेयर को वोलेटिलिटी में रखेंगे, यानी कि शेयर को पहले बढ़ाएंगे फिर गिराएंगे फिर बढ़ाएंगे फिर गिराएंगे, ताकि रिटेल पैनिक होकर सेलिंग करता रहे। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर वन के बाद भाई बड़े बड़े फंड्स ने यहाँ पे माल खरीदा है, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे शेयर के अंदर इंटर हो रहे हैं। अब वो इंटर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको वैल्यू नजर आ रही है। तो मार्केट में वैल्यू ही सबसे बड़ी चीज है, जो कि अगर जिसको नजर आ रही है वो शेयर में बाई कर रहा है। जैसे कि ब्लैक रॉक है भाई, देखिए ब्लैक रॉक के ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक सुपर कंप्यूटर है जो कि स्टॉक के फ्यूचर मतलब बताता है कि फ्यूचर में शेयर कहाँ जाएगा। तो अगर उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पे एसेट जो मतलब एसेट मैनेजमेंट फंड है भाई, तो वो ऐसे तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। एंड हाल ही में स्टॉक के अंदर बाउंस आया था जो कि ऑलमोस्ट 30% का था, जिसमें से 15% तो शेयर डाउन आ चुका है एंड 16% की रेल स्टॉक की पॉजिटिव रही है। पिछले 6 महीने में कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, हाल ही के अंदर जो रिटर्न बना था वही है, बाकी शेयर ने लंबा कंसोलिडेट किया है। एंड जो शेयर जितना कंसोलिडेट करता है उतना ही अच्छा रहता है बड़ी रैली के लिए, क्योंकि धीरे धीरे देखिए हम देख पा रहे हैं कि पिछले 7 या 8 मतलब यानी ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। ये तीसरा रिजल्ट है शेयर का, क्वार्टर 4 में कोई रैली नहीं थी, क्वार्टर 1 में नहीं थी, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने वाला है। तो ऑलराउंड देखिए तो ये 9 महीने हो चुके हैं, 3 रिजल्ट अच्छे अच्छे आ चुके हैं, 3 रिजल्ट में शेयर कंटिन्यू अंडर वैल्यूड हो रहा है। मान के चलिए क्वार्टर 4 में शेयर का पी था 15, क्वार्टर 4 में 15 का पी था, प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टर 1 में डबल किया, पी आ गया 8 का। अब 8 का पी के अब टाइम अभी के टाइम कोई रैली तो आई नहीं, तो अब इस क्वार्टर में फिर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो 8 का पी फिर से डाउन जाएगा। तो सीधा संकेत क्या है कि कंपनी के रिजल्ट जिस प्रकार आ रहे ना, शेयर की वैल्यू को फायदा मिल रहा है, प्राइस भले ही नहीं बढ़ रहा है बट वैल्यू शेयर की बढ़ती जा रही है। जिस दिन भागेगा वैल्यू पे जाएगा, यहाँ पे हमें मालामाल करेगा, यानी कि देखा जाए तो बड़ा जंप देगा शेयर यहाँ से। तो ये स्थिति अभी के टाइम बनी हुई। देखिए आज हमने देखा कि जो पावर वाले शेयर थे ना भाई, इसके अंदर अभी भी कोई इतना बाउंस नहीं जितना यहाँ पे कल शेयर गिरे थे। यानी कि देखिए